अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। पारंपरिक खप्पर का आयोजन माने दिए भक्तों को दर्शन। भावसा क्षत्रिय समाज द्वारा 403 वर्षों से चले आ रहे खप्पर की परंपरा के अंतर्गत बुधवार को मध्य रात्रि में माता अम्बे की सवारी निकाली गई। खप्पर समिति के डॉक्टर मोहन भावसार में बताया कि प्रातः 4:35 पर माता अम्बे एक हाथ में जलता हुआ खप्पर एवं दूसरे हाथ में तलवार लेकर निकली और भक्तों को दर्शन दिए। कार्यक्रम भावसार मोहल्ला स्थित श्री सिद्धनाथ महादेव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। माता अम्बे निमाड़ी गर्भियों पर 50 मिनट तक रमती रही। कार्यक्रम की शुरुआत झाड़ की पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई। माता अम्बे का स्वांग मनोज मधु भावसार एवं आयुष सुनील भावसार ने रचा। वरिष्ठ मृदंग वादक को दी श्रद्धांजलि। खप्पर समिति के वरिष्ठ स्वर्गीय मोहन जी बादशाह का अचानक गत 6 अप्रैल 2021 में दुखद निधन हो गया था। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वरिष्ठ श्री बादशाह खप्पर कार्यक्रम में 40 से 45 वर्षों से मृदंग बजाते आ रहे हैं। इसके अलावा वे गर्भियों भी गाते हैं। अब वरिष्ठ श्री बादशाह के छोटे पुत्र सोनू बादशाह मृदंग बजाकर परंपरा को निभा रहे हैं। हाँ, भावसा क्षत्रिय समाज खरगोन द्वारा 403 वर्ष से इस खप्पर की परंपरा को निभा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हमको विरासत दे रहे हैं। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी और महानवमी को खप्पर का आयोजन होता है। भावसा क्षत्रिय समाज और सिद्धनाथ मंदिर प्रांगण में महाअष्टमी के दिन माँ अम्बे की सवारी निकलती है। हाथ में खांडा और खाली खप्पर लेके और महानवमी के दिन महाकाली की सवारी निकलती है। सुबह सुबह मतलब सुबह दिन और रात के टाइम हम हिरण्यकश्यप और नरसिंह की सवारी निकालते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद में हम दशहरा का महापर्व मनाते हैं। ठीक है, कब से चल रहा है ये? ये 403 साल हो गए हैं, ये तीसरा साल है। किन किन भगवानों की लगती है मतलब झांकी निकलती हैं यहाँ पर? जो है गणेश जी स्टार्ट में, फिर हनुमान जी, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार, माँ अम्बे, महाकाली। तो किनके तत्वाधान में कार्यक्रम संपन्न किया जाता है? ये भावसा क्षत्रिय समाज द्वारा होता है और 403 साल हो गए इसको। हमारे बुजुर्ग हमको जो ये विरासत दे चुके हैं और हम उसी को गर्भी और मृदंग की उसके ऊपर ताल के ऊपर ये सारा आयोजन कार्यक्रम करते हैं। ये पूरा पारंपरिक तौर से चलता है, इसमें जो मृदंग वगैरह भी जो बजते भजन भी गाए जाते हैं सारे समाज के बच्चे करते हैं। अदर समाज का कोई नहीं आता इसमें। बहुत सारे कितने श्रद्धालु इसमें कितने शामिल होते लगभग? इसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। डिजियाना न्यूज़ निमाड़, रिपोर्ट खरगोन।